हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर एनईपी सिलेबस के अनुसार जो कंडक्ट हुई पेपर इंग्लिश लिटरेचर स्टडी या पोएट्री का, जो ये मेजर का सेकेंड पेपर कहलाता है, माइनर भी कहलाता है और ओपन इलेक्टिव भी है। यानी जो स्टूडेंट मेजर लिए हैं, तो मेजर में यदि बीए फर्स्ट ईयर में आप लोग हैं इंग्लिश लिटरेचर लिए हैं, तो फर्स्ट पेपर आपका स्टडी ऑफ ड्रामा है और सेकेंड पेपर आपका स्टडी ऑफ पोएट्री है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में प्रैक्टिकल पेपर्स भी हैं। जब आप बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट योर पेपर फर्स्ट स्टडी ऑफ ड्रामा, सो योर सेकेंड पेपर विल बी अप्लाइड ड्रामा, दैट इज प्रैक्टिकल पेपर। और प्रैक्टिकल जो आपको फाइल बनाने होंगे, प्रैक्टिकल के आप फाइल बना चुके होंगे, मुझे उम्मीद है आपने अपने महाविद्यालय में आपके प्रोफेसर के मार्गदर्शन में, तो वो जो है 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 100 नंबर का थ्योरी पेपर होता है पेपर फर्स्ट में यदि बात करें तो। और उस 100 नंबर में 70 मार्क्स आपका थ्योरी पेपर, जो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम जो ऑलरेडी कंडक्ट हुई है, और 30 मार्क्स का आपका CCE होता है, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन एंड एवेल्युएशन इंटरनल असेसमेंट जिसे बोलते हैं। और इस तरह से 100 नंबर का थ्योरी इंक्लूडिंग और CCE और 100 नंबर का प्रैक्टिकल, मतलब 100 नंबर का एक पेपर होता है और मेजर का सेकेंड पेपर यानी स्टडी या पोएट्री, यह आपका मेजर सेकेंड कहलाता है। यह कि वो स्टूडेंट जो माइनर के रूप में लेते हैं वो इसी को लेते हैं, यह कि ओपन इलेक्टिव लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट इसी को लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो जेनरिक इलेक्टिव लेते हैं वो उनका जैसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश ऐसे अलग से होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यह पेपर सेकेंड के बारे में, मेजर टू के बारे में, माइनर पेपर के बारे में, ओपन इलेक्टिव जो है स्टडी ऑफ पोएट्री। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर को लिए हैं, मेजर का तो रहेगा ही, मेजर का सेकेंड, और माइनर पेपर यदि आपका है तो आप ऑलरेडी इसके बारे में 100 नंबर वाला जो प्रैक्टिकल फाइल है वो बनवा चुके होंगे, बना चुके होंगे, चेक भी हो गई होंगी, और आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं, वाइवा हैं, इसकी ऑलरेडी कंडक्ट हुई होंगी, जैसे कि प्रैक्टिकल वाले जो भी पेपर्स होते हैं उनमें होते हैं। तो वैसे इंग्लिश का भी सेम वही पैटर्न है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा अभी कुछ दिन पहले आयोजित हुई जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस हुआ था 2023-24 को, तो इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस ऑफ दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। सो यू विल हैव एन आइडिया कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको सही ढंग से आइडिया मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का होता है और 70 नंबर का थ्योरी पेपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 नंबर का प्रैक्टिकल। यानी आप इंग्लिश मेजर लेकर के पढ़ रहे हैं तो आपको 400 नंबर की टोटल इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें 200 नंबर का प्रैक्टिकल और 200 नंबर का थ्योरी पेपर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। यदि हम इस वीडियो को देखें, इस पेपर को देखें, तो आपका जो क्वेश्चंस पेपर रहेगा, योर क्वेश्चंस पेपर हैज बीन डिवाइडेड इंटू 3 मेन सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, 3 आवर्स का पेपर रहेगा, जिसमें पहला जो सेक्शन रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिनकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, तो आप 50 वर्ड्स 50 शब्द में लिखें, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक शब्दों में लिखने की कोशिश करें। और यदि देखेंगे इसमें तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आपके सामने 6 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए में, बट यू हैव टू अटेम्प्टेड ओनली 2 आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चंस आंसर्स वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। तो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, यह 3-3 नंबर के दोनों क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चंस आपके मेन एग्जामिनेशंस जब आप देंगे तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिगरेटिव लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल, जो फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं ना, सिमली, मेटाफोर, एग्जिजरेशन, एलिट्रेशन, ये जितने भी शब्द हैं वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो जब भी हम कोई भी भाषा में, मतलब लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं, तो फिगर का इस्तेमाल करते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच का, जैसे हम बोलेंगे ही लुक्स लाइक अ लायन, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, है ना, ऐसे सिमिली का प्रयोग हुआ। इस तरह से आपके ये शब्द होते हैं जो कि एग्जाम्पल के साथ आपको 50 वर्ड्स में इसमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक पोएट कहलाते हैं, ये राइटर कहलाते हैं, तो उन्होंने एक थ्योरी ऑफ पोएट्री के बारे में बहुत ही बढ़िया एक सिद्धांत दिया था पोएट्री के बारे में, जिसके बारे में आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि नीचे ये 4 जो आपके टॉपिक्स दिए हैं, विक्टोरियन सोसाइटी, जो क्वीन विक्टोरियन का पीरियड है, और इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन पीरियड इज नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, 1837 से लेकर के 1901 तक क्वीन विक्टोरिया, मतलब इंग्लैंड में सिंहासन में बैठी थी,
उनका सत्ता था, तो उस पीरियड को विक्टोरियन पीरियड बोला जाता है। और उस ड्यूरेशन में जो भी लिटरेचर लिखे गए, रचे गए, जिनको लिखा गया, पढ़ा गया, समझा गया, वो विक्टोरियन पीरियड की लिटरेचर कहलाती है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, पास्टोरल एलेजी एंड मैच्योर पोएट्री, तो इनमें से आपको जिसके बारे में अच्छी आपको जानकारी हो उसके बारे में यू हैव टू राइट विद इन वर्ड लिमिट। कितना वर्ड लिमिट है? 50 वर्ड्स में लिखना है। तो आपको सिर्फ दो क्वेश्चन करना है सेक्शन ए से, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ये दिए हैं मेटाफर एंड सिमिली, ये फिगर ऑफ स्पीच जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, तो इनके बारे में बताना है कि मेटाफर जिसे हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार होता है ये, और सिमिली जो एक मिलता जुलता है, अभी मैंने बताया था कि ही लुक्स लाइक अ लायन है ना, तो इस तरह से आपकी मतलब जो यूज करते हैं हम लैंग्वेज में बोलते समय इन फिगर ऑफ स्पीच के, इसके बारे में बताना है। फैंसी एंड इमेजिनेशन, एसटी कॉलरीज जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के क्लोज फ्रेंड है, रोमांटिक पोएट है भी, इन्होंने बहुत बढ़िया टर्म दिए हैं फैंसी एंड इमेजिनेशन के बारे में बताना है। इमेजरी, जो इमेजरी एक टर्म है इंग्लिश लिटरेचर का, कि हम कैसे इमेजिन करके, क्योंकि जो पोएट होते हैं वो इमेजिन करके ही कविताएं अपने लिखते हैं। एस्थेटिक ब्यूटी, एस्थेटिक ब्यूटी, तो इस तरह से आपकी ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 में से आपको यू हैव टू अटेम्प्टेड ओनली 2 क्वेश्चंस जो कि 3-3 नंबर के होंगे। और नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में, इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला है वेरी शॉर्ट, और इसमें है शॉर्ट आंसर टाइप, इट मींस दैट यू हैव टू राइट योर आंसर विद इन द वर्ड लिमिट दैट इज 200 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, और कितने इसमें क्वेश्चन है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 क्वेश्चंस आर देयर इन योर सेक्शन बी, बट यू हैव टू अटेम्प्टेड ओनली 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 7 क्वेश्चंस। आपको 4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इन 7 क्वेश्चनों में से, और हर क्वेश्चंस के मार्क्स से ध्यान दीजिए, 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी सेक्शन बी इतने इंपॉर्टेंट है, यदि इसको पूरे करते हैं तो 36 मार्क्स मात्र आपके सेक्शन बी से आ जाते हैं, जो कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आराम से हो जाता है। तो इसमें आप क्या रहेगा, जैसे देख सकते हैं ये क्या है, ये पोयम की स्टेंजा है जिसे पंक्तियां बोली जाती है। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पास्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये आपके जो पोयम है जो आपके सिलेबस की उनके अंदर की दी हुई स्टेंजा है। फॉर ऑफेन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैस अपॉन दैट इन वर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फील्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, ये द डेफोडिल्स नाम का जो बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। डेफोडिल्स ए काइंड्स ऑफ फ्लावर, एक व्हाइट येलो कलर का एक फ्लावर होता है डेफोडिल्स, जो बहुत ही सुंदर वो है, उसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, क्योंकि नेचर लवर पोएट है इसलिए रोमांटिक कवि कहलाते हैं ये लोग, तो इनको लिखे। तो जब आप इनके बारे में सपोज दैट, इसके बारे में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके लिए 20 बुक या 20 सीरीज खरीदते हैं, तो आप जरूर उसको ले सकते हैं, लेकिन मैं आई एम नॉट रिकमेंडेड टू यू कि उसमें आप पूरी तरह से हो रहे हैं, क्योंकि लिटरेचर इज अवेलेबल इन योर इंटरनेट, गूगल बाबा जो है ना उसमें पूरा लिटरेचर की स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या लिखना है, कैसे को आंसर देना है, सबसे पहले रेफरेंस लिखिए, रेफरेंस मतलब कहाँ से इस कविता को, इस स्टेंजा को ली गई है, तो उसमें सिर्फ 2 चीज लिखा जाता है, किस कविता से ली गई है, उसके राइटर कौन है, कैसे लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन, एक दिस स्टेंजा, एक दीज स्टेंजा है, मतलब यदि बहुत सारी स्टेंजा है तो उसके बारे में, एक ही स्टेंजा है तो दिस स्टेंजा, एक दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, जैसे इसको हम देखते हैं तो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेगा द डेफोडिल्स इन्वर्टेड कामा क्लोज विच इज रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आपका क्या होगा, रेफरेंस बुक होगा, ओके सॉरी रेफरेंस हुआ। देन नेक्स्ट आपका होगा कंटेक्स्ट, मतलब उसमें मेन सारांश क्या है, तो इसमें ये कहेंगे द पोएट, हु इज द पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, इसके बारे में बताए हैं ये कि डेफोडिल्स जो एक फ्लावर है उसके बारे में बताए हैं कि कैसे उसकी मतलब किस प्रकार से डेफोडिल्स के फ्लावर जो है उस जंगल के किनारे फैले हुए थे, उस वैली में, उस घाटी में, उसमें वर्णन किया, जब उस पोयम को आप पढ़े होंगे तो पूरा आपको पता होगा, जो कि उसके पेंसिव मूड, जो एक थकान भरी एक उदासी भरी उसकी मूड है, वो उस खाली मूड को उन क्या कर देता है, वो कोई भी प्राकृतिक सुंदरता होती है, वो कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल ग्रीन सीन, तो आपके मतलब एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आप प्राकृतिक सुंदरता देख करके। इस प्रकार से आपका कंटेक्स्ट हुआ, इस बाद एक्सप्लेनेशन में पूरे डिटेल में लिखना है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि डू नॉट लीव द एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आप जरूर उसमें बारे में लिखिएगा, उसके बारे में
आप इसी के लाइन टू लाइन लिख सकते हैं, थोड़ा समझ करके लिख सकते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब्स हियर, किसके बारे में डिस्क्राइब किया है, डेफिनेट्स के बारे में किया है, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। इस तरह से ये आपके सामने लगभग चार आपके क्या है स्टेंजा दिए हुए हैं, स्टेंजा पोएम्स की, वो लिख सकते हैं। व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द वाइफ ऑफ बर्थ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये जेफरी चौसर्स के द्वारा लिखी गई एक वर्ल्ड फेमस बुक है कैंटरबरी टेल्स, जिसके में एक करेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ के बारे में, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और वर्ड लिमिट है सभी का 200 शब्द, लेकिन आपको मात्र चार क्वेश्चन करना है, ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल अप्रिसिएशन, क्रिटिकल अप्रिसिएट लिखना है, एक तरह से समरी लिखना है ऑड टू ऑटम के बारे में, और इसके राइटर है जॉन कीट्स, बहुत ही ये भी पूरा नेचर पोएट है सभी लोग ये। कमेंट ऑन द थीम ऑफ द पोएम इंडियन वीवर्स और सोलिटरी रीवर, सोलिटरी रीवर और इंडियन वीवर्स, ये आपके बहुत ही सुंदर सी एक कविताएं हैं। सोलिटरी रीपर एक अकेली जो फसल काटती हुई महिलाएं हैं, जो खेतों में फसल काटती हुई महिलाएं हैं, काटते काटते फसल काटते काटते गीत भी गाती है, उसके बारे में वर्णन किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने, बहुत सुंदर सी एक कविता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो ऐसे सात क्वेश्चन है आपको यहाँ से चार करने हैं और सभी के 9-9 नंबर है। अब ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले सेक्शन, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को यदि आप करेंगे तो एक क्वेश्चन मात्र 14 मार्क्स का होता है, 14 नंबर के एक क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन करेंगे 28 मार्क्स मिलेंगे ऑलरेडी, यहां से आप क्वालिफाइंग बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आपके सामने चार क्वेश्चन हैं, आपको दो क्वेश्चन इसमें करने पड़ेंगे जो आपको बेस्ट बने। मैं रिकमेंड यही करूंगा आपको कि ये सेक्शन सी और सेक्शन बी को कभी मत छोड़िए, यदि आप ये कर लेते हैं तो अच्छे से टॉप में आपके आंसर, मतलब आप टॉपर बन सकते हैं अपने क्लास के। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल क्या होता है? बियॉन्ड अवर फिजिकल वर्ड्स, जिसमें हम अपने भौतिक संसार से दूर के बारे में सोच करके कविता लिखते हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं वो लोग। जैसे जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। एक पोएम इनका ले लेते हैं हम, ये नीचे जैसे देख सकते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, इसी के द्वारा लिखा गया है कि अरे ओ मृत्यु, तो अपने आप में घमंड मत करो। तो क्या कैन वी टॉक विद डायरेक्टली टू डेथ, हम क्या डायरेक्ट मृत्यु से बात कर सकते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ कवि जो है जॉन डन मृत्यु से डायरेक्ट बात करता है, इसलिए वो ऐसे पोयम को मेटाफिजिकल यानी बियॉन्ड अवर फिजिकल वर्ड्स बोला जाता है। इसके बारे में आपको लिखना है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 13 का, कंसिडर रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, क्वीन विक्टोरिया, कभी मैंने बताया था आपको 1837 से 1901 तक था, तो उसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहलाते हैं, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द पोप्स यूज ऑफ सटायरिकल एलिमेंट्स इन द रैप ऑफ द लॉ कैंटो थर्ड, ये कैंटो 5 कैंटो में बटा हुआ बहुत ही सुंदर से एक सटायरिकल पोयम है रैप ऑफ द लॉग, जिसमें जो हेयर की जो चोटी निकली रहती है ना उसको कट कर देते हैं, इसके बाद बहुत ही सुंदर सा वो है, और वो चोटी जब ऊपर चली जाती है तो स्टार बन जाता है, बहुत सुंदर सी पोयम है, इसको जरूर पढ़िए आप लोग। क्रिटिकल अप्रिसिएशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये चार आपके ऑप्शन दिए हैं, इसमें किसी एक में आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है। क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे? एक तरह से उसके समरी लिखेंगे, गीतांजलि सॉन्ग 1 रविन्द्रनाथ टैगोर हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1913, उसके द्वारा लिखा गया है, जरूर आप लिख सकते हैं, इंडियन राइटर है ये। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। डेफोडिल्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और डेथ बी नॉट प्राउड, ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई। तो इनमें से किसी एक के बारे में आप समरी, क्रिटिकल अप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन नोट लिख सकते हैं, लेकिन ये चार में से पूरे चारों आपको नहीं करने हैं, आपको करने हैं सिर्फ अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट रहेगी 500 शब्द। इस तरह से आपकी ये इंग्लिश के क्वेश्चंस पेपर पूछे जाते हैं, ये स्टडी ऑफ पोएट्री का पेपर है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी ऑफ ड्रामा के पेपर बताऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, यू विल हैव एन आइडिया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। सो डियर स्टूडेंट, एग्जाम बहुत नियर है आपके, बहुत ही जल्दी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में, लगभग 15 से 20 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, और इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिकल में अच्छे से नंबर लाएगा, क्योंकि मैं अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में उनको जोर दिलाता हूँ, जिससे वो अच्छे नंबर उसमें ला सकते हैं और ले आते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। कभी मैं मौका मिलेगा तो उनके प्रैक्टिकल कॉपी भी आपको दिखाऊंगा, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए डियर स्टूडेंट, एंड गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, हैव अ नाइस डे।